फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस्टर वीर ब्लॉग्स। हमने एक नई ट्रिप प्लान की है, बस उसी की पैकिंग हो रही है। ये ट्रिप जो है एडवेंचरस होने वाली है, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ की ना तो हमें लैंग्वेज आती है और ना ही मौसम के बारे में कुछ खास अंदाजा है। ये ट्रिप है बैंगलोर टू चित्रदुर्गा टू कोप्पल। हमारी टिकट मॉर्निंग की है, वैसे पता नहीं ये फुल ट्रिप होगी कैसी, पर जैसी भी होगी मजा आएगा। क्योंकि मैं अपने सफर की शुरुआत भगवान के नाम से करता हूँ। अच्छा, वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि ये फुल रोड ट्रिप होने वाली है जिसमें बहुत सारे फेजेस आएंगे, जैसे कि तुंगभद्रा डैम से लेकर के विंड मिल, सर बहुत कुछ। बेटा बहुत हो गया, इंट्रो है गजल नहीं। वैसे मेरी आदत है विंडो सीट पकड़ कर बैठना, क्योंकि मुझे नेचर को देखना अच्छा लगता है। अब इतना सफर होने के बाद नाश्ता ब्रेकफास्ट तो होना चाहिए ना। हम रुके हैं हाईवे की इस होटल पर, मेन्यू में क्या देख लेते हैं। वैसे ये साउथ इंडियन फूड हेल्दी होते हैं। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। ज़्यादातर मैं ब्रेकफास्ट में इडली खाना पसंद करता हूँ। दोस्तों, साउथ ट्रिप की एक खास बात है कि आप नेचर से कनेक्टेड रहेंगे। आपको कोकोनट के पाम देखने को मिलेंगे और भी बहुत कुछ। और एक बात कहना चाहूंगा आपको, लोगों के घमंड और से आप परेशान मत होया करिए, क्योंकि घमंड का एक फाइनल सेटलमेंट होता है वो भगवान स्वयं करते हैं। घमंड की पराकाष्ठा वाले रावण को नहीं बख्शा उन्होंने, तो ये टटपूंजी क्या है। और देखो यार, ये जवानी में दुख वुख मत बनाया करो, क्योंकि जवानी जीने के लिए होती है। एक मंत्र दे रहा हूँ, जीने का अंदाज बदल लीजिए और देखने का नजरिया बदल लीजिए, लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। हमारा चित्रदुर्गा तो आ गया। चित्रदुर्गा यहाँ के फोर्ट के लिए फेमस है और तुंगभद्रा डैम के लिए भी, और हम्पी भी यहाँ पास ही है, चलेंगे अपन। अच्छा, भगवान श्री राम का वनवास टाइम जो था वो इन्हीं शहरों के जंगलों से होते हुए लंका तक गए थे। Method, looking for the one who's trying to be perfect, yeah. You'll try to match it, don't be sad if you don't make it. You hope for wonders, living life means making blunders. It can make you shatter, you will try to fight the thunders. Trust me, no matter what happens, because I. चित्रदुर्गा में हमारा कोई स्टॉप नहीं है। हमारे डियर गंगाधर सर हमें पिकअप करने आ रहे हैं। हमें आगे कोप्पल जाना है, क्योंकि हमारा कोई वहाँ पे वेट कर रहा है। यहाँ पे विंडमिल से एनर्जी प्रोडक्शन का एक बड़े लेवल पर काम चल रहा है। वो बहुत खूबसूरत भी है नजारा, देखने में लगता है। Follow the light if you're not sure, listen to your gut. The right path will come.
method. Looking for the one who's trying to be perfect, yeah. You'll try to match it, don't be sad if you don't make it up. You hope for wonders, living life meets making blunders. It can make you shatter, you will try to fight the thunder. Trust me no matter what happens, because I will stay by your side in your heart. Whatever happens, remember that you can do anything you want. यहाँ के विलेजर्स का कल्चर और रहन सहन मुझे बड़ा फैसिनेट करता है। कोई नारियल तोड़ रहा है, कोई भेड़ बकरियाँ गायें चरा रहा है, कोई लेबर्स जो है लॉरी में भरकर जा रहे हैं, मस्त एकदम। वैसे हमारी ये पूरी जर्नी नॉन स्टॉप ही रही है क्योंकि आगे कोई हमारा वेट कर रहा है। हाँ, मैंने पार्ले जी बिस्कुट जरूर खाया था। अच्छा, ये बेंगलोर और हॉस्पेट के बीच की बहुत ही खूबसूरत टनल है जो पहाड़ों के बीच से होकर जाती है। अच्छा, ये वाला सीन जो है साउथ की मूवीज में आपने बहुत बार देखा होगा, माइंस में लॉरी और जाती हुई, लेबर्स काम करते हुए। ये तुंगभद्रा के डैम का वैसे एक प्रोजेक्ट है यहाँ का। मैंने एक चीज नोटिस करी कि G20 की यहाँ पे तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। अच्छा, वो कनाडा के टोडरो का साथ वाला जो डिस्प्यूट चल रहा है वो भी याद होगा आपको, अभी चल रहा है। साले सारे के सारे नेता एक जैसे होते हैं, चुनाव पास आया नहीं, सत्ता के लालच में कोई ना कोई छिछोरी हरकत कर देते हैं। अभी कोई कनाडा जाने का प्लान कर रहा है तो रोक दो भाई, ऐसी दलदल का कीचड़ कभी भी उछल सकता है। ये मैत्री से ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है वुमेन एम्पावरमेंट का, आई अप्रिशिएट इट। वुमेन एम्पावरमेंट से आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अभी महिला रिजर्वेशन का बिल पास हुआ है, बहुत ही खूबसूरत काम किया है। इफ आई से डायरेक्टली, आदमियों से तो पार पड़ी नहीं, अब ये औरतों के वोट पर फोकस कर रहे हैं।
कोपल तो आ गए। कोपल क्यों आए, कौन हमारा वेट कर रहा था, क्या था स्पेशल, जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारा का सारा चीज़ एक वीडियो में नहीं आ सकता। अगले वीडियो में आपको ज़रूर ये सब आपको बताएंगे, लेकिन जो भी होगा सुपर हिट स्पेशल होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।